वफाकी काबीना ने भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि पूरी कौम बहादुर मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दिफाए वतन के लिए कौम का बच्चा बच्चा तैयार है। पाकिस्तान की सरजमीन पर मैली निगाह डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने दुश्मन पर वार से कर दिया। कहते हैं मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक हो चुका। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत दुनिया पर वाज़े हो चुकी है। दफ्तर ख्वाजा ने भारतीय झूठ दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक के झूठ को सबूतों समेत गैर मुल्की सफीरों के सामने रखा जाएगा। सेक्रेटरी ख्वाजा एजाज चौधरी गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग देंगे। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने दौराए भारत की दावत मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मौजूदा हालात में कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सकता। भारतीय चीफ जस्टिस ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। आलमी बरादरी भारत को जारहियत से बाज रखे, भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मलीहा लोधी ने कहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। भारत की जानिब से सरहद पार शेलिंग की गई। दबंग खान का दबंग बयान। पाकिस्तानी अदाकारों पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। सलमान खान ने कहा है कि दहशतगर्द और फनकार में फर्क होता है। पाकिस्तानी फनकार दहशतगर्द नहीं। काबिज भारतीय फौज के मजालिम कश्मीरियों के हौसले पस्त ना कर सके। नौजवानों का जज्बा देखकर भारतीय अहलकारों की दौड़ें लग गईं, लेकिन फिर भी एक नौजवान ने मुसल्ला भारतीय अहलकार को दिन में तारे दिखा दिए। रायवंड के अड्डा प्लॉट पर आज है पीटीआई का कॉल। थोड़ी देर बाद कप्तान कभी हरीफों पर बरसाएंगे बाउंसर्स और कभी चौके छक्के लगाएंगे। खिलाड़ी तालियां बजाएंगे, भूरे डालेंगे और नारे भी लगाएंगे। डीजे की सुरों का भी लगेगा खूब तड़का। खिलाड़ी कप्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार, कायद की एक कॉल पर रायवंड का रुख कर लिया। छोटे बड़े शहरों से जोश से भरे कारकुनों की अड्डा प्लॉट आमद जारी। जलसागाह पहुंचने वालों का जुनून दीदनी। इमरान खान पहले वजीर आजम पर बरसेंगे। नवाज शरीफ को पैनामा लीक्स की तहकीकात में रुकावट का जिम्मेदार ठहराएंगे। फिर मोदी पर गरजेंगे। मौलाना फजल रहमान को भी खरी खरी सुनाएंगे। कप्तान के खिताब के बुनियादी नुकात सिर्फ 92 न्यूज पर। इमरान खान ने कभी जाती सियासत नहीं की। उम्मीद है कौम इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुशावरत मुकम्मल कर ली है। हुक्मरानों के लिए आज वाज़े पैगाम दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जलसे को पूरी सिक्योरिटी देंगे। जलसागाह को एक मरतबा खाली कराकर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। तलाशी के बाद शरका को दोबारा दाखिल किया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू।
टी20 में क्लीन स्वीप कर लिया, अब है वनडे की बारी। शाहीनों ने कर ली होल्डर 11 को होल्ड करने की तैयारी। इमाद की गेंद घूमेगी और शर्जील का बल्ला। शारजा में होगा खूब हल्ला गुल्ला, होगी चौकों छक्कों की बरसात सिर्फ एक घंटे बाद। और मसीहा भूल गए, रहीम यार खान के शेख जायद अस्पताल में डॉक्टर्स का हामिला खातून को अस्पताल से निकल जाने का हुक्म। खातून ने वेटिंग रूम में ही बच्चे को जन्म दिया।